प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी और भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी। पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न दान नहीं दिया करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं उसके पास आकर भिक्षा मांगने लगे। तब उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का पिंड उठाकर भगवान विष्णु के हाथ में रख दिया। उस पिंड को लेकर भगवान विष्णु अपने धाम वैकुंठ लौट आए। कुछ समय बाद में उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह वैकुंठ धाम पहुंची। वहां उसने देखा कि ब्राह्मणी के लिए एक कुटिया और वहां एक आम का पेड़ लगा हुआ था। खाली कुटिया को देखकर ब्राह्मणी बहुत ही निराश हुई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि प्रभु, मैंने तो आपको पूरी जिंदगी पूजा अर्चना की थी। पृथ्वी पर एक धर्म यापन स्त्री थी, फिर क्या मुझे एक खाली कुटिया मिली है? तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्न दान नहीं किया था, इसीलिए ही तुमको ये खाली कुटिया मिली है। तब उस ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप उनको द्वार तभी खोलना जब वह सतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए आपको। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण स्त्री ने वैसा ही किया और सतिला एकादशी का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया में अन्न और धन के भंडार भर गए। इसलिए सतिला एकादशी के दिन दान करने का बहुत ही अच्छा महत्व तो माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो कैसी लगी हमारी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।